शुभ देखो कैसे सो रहा है अभी तक। यहाँ पे अपना सारा सामान अब अनलोड करते हैं, ट्रैकिंग के गंदे संदे कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, तो नया दिन नई शुरुआत। तो दोस्तों, हर की दुन के ट्रैक की वीडियोस आपको आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होंगी। और भाई, बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक था। लोगों ने पता नहीं इंटरनेट पे क्यों इजी लिखा हुआ है, और बहुत लोग तो गए भी नहीं, ऐसे लिख देते हैं कंटेंट राइटिंग, दूसरों का पड़ा अपना लिख दिया। जैसे कि हमें एक पीटर बैनर्जी मिले, वही फिल्म कलाकार पीटर बैनर्जी, जिनका घर मसूरी में है। तो वह हम वहाँ से जा रहे थे, मैं जोनी भाई वगैरह को दिखा रहा था कि भाई ये पीटर बैनर्जी, तो वो खड़े थे और सामने संजय सूरी, शायद वो फिल्म बॉलीवुड वाली, संजय सूरी सामने बातें कर रहे थे आपस में। तो बैनर्जी कह रहे तुम्हारी बाइक खराब होगी क्या यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि ये बैनर्जी है। हमने कहा हम हर की धुन से आए हैं। कह रहे अरे हर की धुन तो है इजी है, तुम जवान लड़के ये वो। मैंने कहा आप गए हो। कह रहे मैं नहीं गया हूँ, मुझे जाना था लेकिन अब जा नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा फिर तो मैं आपकी बात पे यकीन ही नहीं करूंगा जब आप गए नहीं हो। तो फालतू में बोल रहे कि इजी है, ये है वो है, कभी गए हैं नहीं। तो भाई जाके देखिए, 28 किलोमीटर वन साइड है, 56 हो गया। बहुत ज़्यादा थकावट है, पत्थर वत्थर तो तुमने देख ही लिया, और सनबर्न हो चुका है यहाँ पे, ये सनबर्न हो चुका है। हाथ में मैंने ये डंडे पकड़े हुए थे तो हाथ भी जल चुके हैं। और यहाँ पर जो मसूरी वाला ब्लॉग था ना, उसमें आ चुके हैं बहुत सारे व्यू, 66,000 व्यू अभी तक आ चुके हैं 4-5 दिन में। और भाई पूरा वायरल हो चुका, बहुत अच्छा, और सब्सक्राइबर भी एकदम से बढ़े हैं, 11,012 सब्सक्राइबर आ चुके हैं। तो बहुत सारे कमेंट पेंडिंग है, शुभ लाइक करेगा और मुझे बताएगा शुभ कि किसने क्या लिखा है। रिप्लाई मैं करूँगा, मैं बताऊँगा शुभ को, लेकिन टाइप से उप करेगा सिर्फ। बहुत सारा काम मेरे हेल्प कर देता है सुबह, जब तक ये गांव नहीं जाता यहाँ पर है, तो मुझे मजा आ रहा है, मेरा बहुत अच्छा हेल्प मिल रही है। क्या कह रहा है? आपके सारे सब्सक्राइबर जान गए। हाँ हाँ, जब से तू वीडियो मारा कुछ वीडियो में सब जानने लगे हैं तेरे को। फिर दूसरा काम करवाते हैं, बाइक में थोड़ी बहुत कमी है वो करवा लेते हैं, ठीक। और भी कुछ काम है फटाफट वो करते हैं। फिर जाना है ऋषिकेश, ऋषिकेश की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर वहीं रहना है ऋषिकेश जहाँ से ज्यादा दिन। जोनी भाई भी कृष्णी जा चुके हैं, वो भी ऋषिकेश मिलेंगे मेरे को, और वहीं पे रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग होगी, एडिटिंग होगी, लैपटॉप उठा के वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। मजा आएगा, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको रेगुलर लगातार मिलता रहेगा, एक से एक कंटेंट। राउंड ऑफ 16 में स्पेन जीत गई है और फ्रांस बाहर हो गई है, स्विट्जरलैंड ने बाहर कर दिया। आज मौसम बहुत अजीब है, ये देखो मसूरी की तरफ, जैसे दिल्ली NCR में होता है ना, मतलब उससे पोल्यूशन से ऐसा हो रखा है ना, ये फॉग है, पता नहीं धुंध है अजीब तरह की, बिल्कुल भी पास वाले पहाड़ भी नहीं दिख रहे, वो जो मानसून में आते हैं ना बादल, वो नहीं है, ये रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट नहीं है आज, आज थोड़ा सा घुटन सी है। नहा धो लिया भाई, और ये देखो नाक से ना, ये नाक से अभी धीरे धीरे पपड़ी उतरेगी, पूरा सनबर्न हो चुका है हर की धुन में। हर की धुन ट्रैक पे भाई बहुत सारा सामान ले गया था जो कि बच गया है, इसमें घी पता नहीं बच रहा है नहीं बच रहा, ब्रेड पूरी की पूरी बच गई, एक ये बच गया ओट्स, दाल वगैरह, तो दाल तो एक ही दिन बनाई थी हमने, दाल चावल, ये चाय हो गई, चाय भी थोड़ी सी डाली थी, एवर रेडी का पाउडर भी ऑलमोस्ट खत्म है, चीनी वहीं से ली थी। सारे कपड़े धो गए हैं, सूख गए हैं ट्रैक के। सुबह क्या बना रहा है? क्या बना रहे हो? नींबू पानी। ये क्या है, ये क्या काट रखा है? मिक्स वेज बनेगी आज, पाव भाजी। अच्छा ये ला, 2 बज गए, खाना खाएंगे। एक्चुअली कल जब हम हर की धुन ट्रैक से आए थे, तो जोनी भाई, राहुल, गुरदीप भाई सब ने हमने छोले भटूरे खाए थे, तो कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज देख लो, ये छोले हैं अपने और ये भटूरे बन गए, और शाम को खाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी की सब्जी बनने लग रही है, डाल रहे हैं पनीर। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 30 जून, सुबह के बज रहे हैं 10, और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। और आज का मेरा लंच है ये दलिया और शक्कर, इसमें शक्कर डाल के खाएंगे, चीनी को अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। परसों मैं हर की धुन ट्रैक से आ गया था, जब से ही नींद 4 दिन की रह रही थी, तो रात में तो मैं ठीक सो रहा हूँ, लेकिन आज दिन में भी काफी थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो थोड़ा सा सो लिया। अभी ये चलता रहेगा, कुछ दिन तक दिन में नींद आएगी, क्योंकि हर की धुन वाली नींद पूरी होनी है। अभी मैं फ्रूटी पीने आया था और मेरी फ्रूटी इसने खत्म कर दी, दिखा एक ही है और भी है, मैं सोच रहा हूँ ये खराब हो जाएगा, यही बना ले, ये बनाता हूँ, है ना, उस दिन मैंने दुगना मिला दिया था इसमें, इस वजह से खराब बना था, इसे नहीं देना, इसने तो पता नहीं क्या क्या खा रहा। फाइनली बहुत दिन बाद अपना ये बादाम केसर, तो इसमें ना 4 कप दूध लेंगे, तो 1 कप ये लेना पड़ता है बादाम केसर, तो आज मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, चिल्ड बिल्कुल, तो इसको तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसने फ्रूटी पी है, और वो या पिएगा नहीं, तो बन गया अपना शेक। तो भाई ये वीडियो डाली थी सुबह के बर्थडे की, तो इस पर काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, वो मैं सुबह को बता रहा हूँ कि किस किस के कमेंट आए हुए हैं। तो देख भाई, संदीप राणा जी ने बोला है सुबह इज क्यूट, ठीक है, और हिना खान बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू सुबह, थैंक यू, और सुनील जी ने बोला हैप्पी बर्थडे सुबह, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, देवम सिसोदिया ने बोला हैप्पी बर्थडे सुबह, गॉड ब्लेस यू, अभी मैं एक साथ बोलूंगा। हरीश कुमार जी ने बोला है, डेविड डोमिंगो ने बोला है, रोड रनर ने, प्रवीण गहलोत जी ने बोला है, ऑल ऑफ
ऑल ऑफ यू थैंक यू बोल दिया भाई सुबह ने सबको। और ये वीडियो शूट करने तक जिनके कमेंट नहीं आए जो बाद में विश कर रहे हैं उन सबको भी सुबह की तरफ से थैंक यू। भाई जब से हर की धुन गया हूँ ना तो इस ये पैर ना मेरा सुन है, ये इतना अंगूठा सुन है सिर्फ इतना। और क्योंकि वुडलैंड के जूते थे काफ़ी हार्ड थे, 3 दिन चले 60 किलोमीटर तो काम नहीं कर रहा है। फिलहाल ये गर्म पानी किया है और इसमें नमक डाला है, इसमें पैर डाल के बैठते हैं क्योंकि 2 दिन हो गए हैं पैर काम नहीं कर रहा है। अंगूठा बहुत तेज गर्म है, एक मगा पानी लिया, मगा लिया इसमें नमक नस्को। आज भैया की गाड़ी लेके जाते हैं मार्केट, इनका तो पटना ट्रांसफ़र हो चुका है काफ़ी दिन से खड़ी है, तो इनके बच्चे बोल रहे थे कि पेट्रोल भरवा दो इसमें, अपने अपार्टमेंट पे जाता हूँ वहाँ से कुछ लाना भी है। आज किसी ने लाइटें भी बंद नहीं करी भाई, वेस्ट हो रही है एनर्जी इसलिए बंद कर देता हूँ इनको। अब ठीक है चलो, तो अभी जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। विवेक भाई ने बोला था उनको जो गांव में डिमार्केशन वाले हैं कि भैया डिमार्केशन कर दो सुभाष के प्लॉट की, तो शायद उन्होंने कुछ किया है डिमार्केशन वगैरह। चेक करने जा रहा हूँ सब नपाई उपाई ठीक करिए या नहीं। तो भाई आगे हैं अपने प्लॉट की लोकेशन पर और देखो कितनी शांति है, और यहाँ पर बंदर हैं बहुत छोटे 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 बंदर लगे पड़े हैं झाड़ियों में कुछ खाने के लिए। बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल शांत माहौल और इतनी गर्मी भी नहीं है। चलो गाड़ी को लॉक कर देता हूँ, अभी तक मुझे अपने प्लॉट को एंजॉय करने का मौका नहीं मिला, यहाँ की लोकेशन को, यहाँ की बर्ड्स को, बर्ड वाचिंग का भी टाइम नहीं मिला अभी। धीरे धीरे करेंगे बर्ड वाचिंग भी, तो कुछ तो किया इन्होंने, निशान वगैरह लगाए हैं, किया तो है इन्होंने कुछ, एक तो निशान यहाँ पर लगाया है, एक निशान वहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ पे टिफ़न भी पड़ा है पता नहीं कहाँ गया। वो शर्मा जी का प्लॉट बनने लग रहा है, लेंटर डल गया। मेरा भाई आर्किटेक्ट है तो वो खुद एक बार आ जाएगा इस प्लॉट को नाप लेगा। फिलहाल ना तो वो जिन्होंने डीमार्केशन की है वो हैं, ना मेरे भाई को टाइम है, अभी मैं जाता हूँ दूसरे काम करने। फिलहाल तो एक भैया लगे हुए हैं यहाँ पे जो खुदाई कर रहे हैं, कल भराई करेंगे, शाम को देखते हैं दोबारा से आता हूँ। ये देखो मैं अपने फ्लैट पर आया था, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, सारी लाइटें ख़राब हैं पिछले 15 दिन से। मेरा ये एक्स्ट्रा मैट्रेस रह गया था और एक रजाई, बस वो मैं लेने आया था आज। और मसूरी का मौसम भाई, मसूरी दिख नहीं रही है अभी, बिल्कुल धुंध है। तो आज हमारा लंच इस रेस्टोरेंट पे हो गया, स्वीट गुलाब रेस्टोरेंट पे सामने। और भाई गर्मी काफ़ी हो रही है देहरादून में, लेकिन मसूरी की तरफ बिल्कुल डार्क हो गया है, वहाँ दिख रहा है मेरे को उस तरफ ना बिल्कुल डार्क हो गया मसूरी की तरफ। अभी हम जा रहे हैं हरवीर अंकल के घर, वो अंकल मतलब मेरे फादर की साथ ही रेजिमेंट में थे, 98 फील्ड जाट रेजिमेंट में, तो रिटायर हो गए थे तो वो देहरादून आ गए थे, हम लोग मेरठ थे। तो अभी उनके घर चलते हैं, उनके पास मैंने आपको दिखाया था आंसू के घर, मतलब उनका लड़के का नाम आंसू है, उनके पास भूटिया डॉग थे दो छोटे छोटे, लेकिन शायद अभी नहीं, अभी दे दिए उनके लड़के ने कहीं, और अभी कोई दूसरा डॉग है उनके पास, तो उनके घर जाते हैं, वहाँ हम पहले रहते थे राजेश्वर नगर फेज 2 में, फिर उसके बाद अपने वापस घर जाएंगे। अंगूर लग रहे हैं भाई यहाँ पे कितने बढ़िया, ये रहे अंगूर, थोड़े दिन में हो जाएंगे, बढ़िया बेल लगा रखी अंकल ने। ये डॉग का घर था भाई, अभी कोई डॉग नहीं है यहाँ पे। ये पेस्टी आई है, नीचे भाभी जी रहती हैं जो वो डॉक्टर हैं, आज डॉक्टर डे है भाई। ऐसे मैंने बहुत रेयरली देखी है, ऐसे चिड़िया बैठती नहीं है वैसे दीवार पे जैसे ही बैठी हुई है। इसने ना अपने आप को पैरों पे नहीं बैठी है, वैसे बैठी है पेट के बल, अंडे देने वाली है शायद ऐसे ही तो। आज मसूरी में मौसम कैसा है दिखा देता हूँ। अब थोड़ा धुआं धुआं सा आया हुआ है, दिन में काफ़ी क्लियर था, कल भी दिन में क्लियर था, शाम के टाइम थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया है मसूरी में, बारिश का इंतजार है। 2 दिन से तो यहाँ भी काफ़ी गर्मी हो रही है देहरादून में, और जैसे हमारी बात होती रहती है नीचे सहारनपुर मेरठ में, तो वहाँ पे इतना बुरा हाल है गर्मी का कि रात तो वहाँ पे बता रहे थे, नानी जी बता रही थी कि नींद ही नहीं आई 1-2 बजे तक, 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तब जाके नींद आई लोगों को, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है हद हो गई है। तो दोस्तों पानी पीते रहिए लगातार, 5 लीटर 4 लीटर जितना आप पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, उसी से ये गर्मी से आप बच सकते हैं, वरना एसी वैसी कुछ नहीं, कितनी देर आप एसी में बैठ लोगे, बाहर तो निकलना है ही ऐसी से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई, दोपहर के बज रहे हैं 1:15। यहाँ पर कल मैं जामुन आ चुके हैं मार्केट में, खूब खाओ भाई, इन जामुन का फ़ायदा यह है कि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जिससे बाल वगैरह मुंह में चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, तो वो गलते नहीं है, वो बाल पेट में फंसे रहते हैं सब, तो बोलते हैं कि 5-6 जामुन खा लो साल में एक बार, तो बाल बाल सब गल जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था व्हाट्सअप मैसेज में, अब ये नहीं पता सही है या नहीं है। भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, मौसम बिगड़ चुका है, शीशे विशे बंद कर दो, बहुत भाई के बालकनी से दिखाता हूँ कि क्या हाल है। ये देखो बारिश सारी शुरू हो गई है, ज़मीन पे देखो गीला हो रहा है, और मसूरी की तरफ भाई, मसूरी की तरफ देखो
बिल्कुल किस तरह का मौसम है। इधर बिल्कुल डार्क हो चुका है, दिन में ही बिल्कुल अंधेरा। रिम झिम बारिश शुरू हो चुकी है, और ऐसी बारिश पड़ी ना थोड़ी देर में ये फॉग आ जाएगा सब जगह। बहुत प्यारा, एक 10 दिन बाद ऐसा मौसम हुआ है बारिश। पिछले 8-9 दिन से बारिश नहीं है। सब हैरान है कि इतनी बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो 2 जुलाई को भाई हमारे यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है फाइनली। देहरादून में बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, दिन में ही अंधेरा हो गया और अभी 2:30 बज रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सब लोग ना सामने पैसिफिक गोल्फ है उसमें से भी आके सब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और पूरा देखो ग्रीनरी, काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे पेड़ भी। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है पूरा, मेरे घर में तो पूरा ही हवा पार हो गई है, पूरी गर्मी ख़त्म हो गई है यहाँ से। और ये मसूरी की तरफ देखो, धीरे धीरे बादल जा रहे हैं वहाँ भी, मसूरी की साइड भी। बस बीच में थोड़ी सी रोशनी है, बाकी अंधेरा हो गया। बारिश इतनी तेज है इस तरफ की, ये देखो मेरे शीशे में कैसे आ रही है, पूरे शीशे में लग लग के चल रही है बारिश। इस तरफ की हवा है ना, और मेरे कमरे में यहाँ तक पानी आ चुका है अंदर तक। और क्या बारिश है, मेरा पूरा कैमरा गीला हो जाएगा, लेंस में पानी चला जाएगा। और आज बारिश में बनी है खिचड़ी, और ये देखो पूरा पानी आ गया, पूरा पानी आ गया। इस पे भीग गई पूरी, ये तो पूरी भीग गई और बंद भी नहीं हो पा रही खिड़की सानू पे। गेट खोलिए वाला, ओ भाई ये खिड़की बंद करने गई है, खिड़की बंद नहीं हो रही, इससे पूरी भीग गई, छाता भी उल्टा हो गया। हाँ दोबारा जा सब है, चल अब गई भाई, कर दे। बहुत तेज आंधी तूफान है भाई, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश। धीरे धीरे अगर ऐसी पड़ती रही ना फोग आ जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग के पास भी। मजा आ गया ना, ये पूरा पोस दे। अब मैं खाता हूँ खाना, अभी रपट के गिर जाओगे यहाँ तक। ओ तेरी, यहाँ तक पानी आ गया है, अब बैठ के नीचे से। मैं कह रहा हूँ आज सुबह ने लैपटॉप कितनी देर चलाया, बहुत देर। कितनी तेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है, घंटे में कितनी स्पीड वर्ड टाइप करता है? 20-25 ये करती है सानू, झूठ बोल रहा है ना, 20 कर देता, 20 वर्ड पर मिनट, 20 वर्ड पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने वर्ड हैं, एक घंटे में, एक मिनट में 10 की स्पीड है ना तेरी, यही स्पीड कैलकुलेट। कोई पूछे कितनी स्पीड है, 10 की स्पीड है, इसकी 25 की है, मेरी 40 की है, 40 वर्ड पर मिनट। अरे वो तो रहने दे, वो तो ऑनलाइन चलता रहता है, अब इसको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको सिखा कैसे उंगलियां रखते हैं कीबोर्ड पे, कैसे ऐसे बिना देखे ऊपर लिख के, है ना, गेम खेल जितने खेल सकता है उसमें। बोट वाला गेम है ना, एक गेम भी है ना, गेम खेल उसमें, टाइपिंग गेम। पहले उंगलियां रखना सीख, बेसिक कर पहले कि कौन सी उंगली से क्या दबेगा। और भाई बारिश बहुत तेज थी, अभी बादल इधर जा रहे थे, अब इधर आ रहे हैं उल्टी तरफ। देखो ये वाले बादल ना पहले इधर जा रहे थे, अब इधर से इधर जा रहे हैं। और हमारा फुटबॉल का ग्राउंड तो खैर पूरा गीला हो रखा है, बहुत अच्छी बारिश है। मसूरी तो क्लियर है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से उठने चालू हो गए मानसून वाले बादल। ये देखिए मानसून वाले बादल उठने शुरू हो गए लेफ्ट साइड से, धीरे धीरे मसूरी की तरफ चले जाएंगे। मेरे भाई के रूम की विंडो में किस तरह से मधुमक्खी ने, ये मधुमक्खी है काले वाली, ये देखो ये तो काट लेंगे भाई। ये देखो इन्होंने वो लगाया हुआ है, पूरा छत्ता बना दिया छत्ता, तो ये नहीं है, ये वो है, और मिट्टी का बना हुआ भाई, पता नहीं कैसे बनाया है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। मधुमक्खी इस तरह का छत्ता बनाती हैं, इसके अंदर घुसी हुई है, ये पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है। सो दोस्तों मैं ना 6 शॉट मारूंगा, 6 में से देखते हैं सुबह कितने रोक पाएगा। स्टाइल में मैं इसी स्टाइल में मारूंगा, एक में से एक लग गया। बच गया, कैमरे
क्या गोल है। हर की धुन पार्ट वन का व्लॉग देख रहे हैं। 8 बजे इवनिंग आरती होगी है, सब बैठ के देखते हैं। और आज भाई भूख लग रही है बहुत ज़्यादा है। आज सब्जी में क्या बना है? बीन्स, आज बीन्स बने हैं। जल्दी से भूख लग रही है, जल्दी से आटा कर दे।